नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Realme 12 Pro मोबाइल में ऐप हाइड कैसे किया जाता है, और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा हाइड वाली ऐप को चोरी चोरी छुपके छुपके चलाया कैसे जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर फिर से प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हाइड ऐप्स का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जिस भी एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में हाइड करना चाहते हैं उसके सामने टिक होगा, टिक को आप ऑन करेंगे। तो बैटल ग्राउंड इंडिया को हाइड करूंगा, तो ये रहा, उसके सामने टिक है, टिक ऑन किया, सेटिंग का ऑप्शन आ चुका है, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी पासवर्ड आपको बनाना, जो भी आप बनाना चाहते हैं डाल सकते हैं। दोबारा से री एंटर आपको वही पासवर्ड करना है। उसके बाद फॉर्मेट टीचर्स नेम, यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी डालकर सही के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, और सेट एक्सेस कोड का ऑप्शन आएगा, इस पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। एक्सेस कोड यहाँ पर आपको बनाना होगा जिससे आप हाइड वाली ऐप को चला पाओगे। तो ध्यान देना, पहला आंसर हैज रहेगा, उसके बाद कोई सा भी एक्सेस कोड यहाँ पर डाल के लास्ट में भी हैज लगा दीजिए, आप सही के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, डन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगर और भी एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं, यहाँ से टिक आप ऑन कर सकते हो। तो मैंने पबजी को हाइड किया है, अब यहाँ पर देखिए कहीं भी पबजी नहीं दिखाई दे रही। तो इस प्रकार से आप इस मोबाइल में ऐप हाइड कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूंगा हाइड वाली ऐप को चलाओगे कैसे। चलाने के लिए डायलर ओपन करेंगे, जो एक्सेस कोड आपने बनाया है वही दोस्तों एक्सेस कोड आपको यहां पर, सॉरी दोस्तों, डालना है। तो मैं एक्सेस कोड अपना डाल देता हूं, लास्ट में हाइड लगाएंगे। यहां पर दोस्तों एक्सेस कोड जैसे ही डालेंगे आप, हाइड वाली ऐप यहां पर आ जाएंगी, यहां से आप चला सकते हो ऐप को।